तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अन क्लासेस फॉर। में जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो, आठ हम पार्ट थ्री करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर चार बोला गया, 100 पिको फेरड का संधारित 100 वोल्ट तक आवेश किया गया, संधारित पर संचित आवेश, ठीक है, जो दिया है वो आप लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे ही आप सवाल में भी करोगे। क्या दे रखा है संधारित, कितना, जो सी दे रखा है आपका संधारित का मान 100 पिको फेरड, कितना दे रखा है, पिको, पिको फेरड में 1 पिको में कितने होते हैं, 10 की पावर -12, तो सी बराबर हो जाएंगे 100 × 10 की पावर -12, ये हो गए आपके फेरड। इसके बाद विभवांतर दे रखा है बी, वो दे रखा है आपको 100 वोल्ट। आपसे क्या पूछा है, क्यू का मान पूछा है, किसका, क्यू कि हम ठीक है, धारिता के सूत्र से, संधारित की धारिता के सूत्र से सी बराबर क्या होता है आपका, क्यू बटे बी। आपसे क्यू पूछा है तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी बी। सी का मान कितना है आपका, सी का मान है 100 × 10 की पावर -12, और बी का मान कितना है आपका, 100। ठीक है, तो यहाँ से क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 100, यानी 10 की पावर कितने हो जाएंगे, 4, यानी कि 1 × 10 की पावर -12 × 1 × 10 की पावर 4, ये प्लस में हो जाएंगे, तो यहाँ से क्यू बराबर आ जाएगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 1 × 10 की पावर -60 कूलम, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा बोला गया, ये संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर भय 2 माइक्रो कूलम आवेश ग्रहण करता है, संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, संधारित्र की आपको क्या पूछी, संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपका विभव दे रखा है कितना, 1000 वोल्ट, और क्यू दे रखा है 2 माइक्रो कूलम। ठीक है, क्या क्या दिया है, बी दे रखा है 1000 वोल्ट, ठीक है, क्यू दे रखा है आपको 2 माइक्रो कूलम, कितना हो जाएगा, 2 × 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, बदल दिया। आपसे पूछा क्या है, धारिता, यानी कि सी बराबर क्या होता है आपसे, क्यू बटे बी, यही पूछा है, तो सी क्यू का मान कितना है, 2 × 10 की पावर -6, और ये कितना है आपका, 1000, तो सी बराबर 10 की पावर 3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 की पावर -, कितने हो जाएंगे, 3 ऊपर माइनस के, 2 × 10 की पावर कितने हो जाएंगे, माइनस के 9, कितने हो जाएंगे, माइनस के 9। ठीक है ना, लेकिन आपसे क्या पूछा है, 2 माइक्रो कूलम आवेश ग्रहण करता है। ठीक है ना, सी बराबर क्यू बटे वी होता है, सारे मान रखोगे। यहाँ देखो, आपसे पूछिए क्या है, धारिता सी, सी बराबर क्यू बटे बी, अरे क्यू का मान कितना है, 2 × 10 की पावर -6, और वोल्ट कितना है आपका, 1000 वोल्ट। ठीक है ना, तो सही है आपका। यहाँ पे आपने क्या गलती करी है, इसका मतलब कहीं पे आपने गलती कर दी है। ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ये हो गया, लेकिन सी बराबर क्या हो सकता है, ये आपका हो सकता है 2 × 10 की पावर -3 और माइक्रो फेरड। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फेरड माइक्रो में कितने होते हैं, 10 की पावर -6, ये बन गया आपका फेरड, तो हमने 10 की पावर -6 निकाल दिए, तो बचे 10 की पावर 3 माइक्रो फेरड, 6 और जोड़ दोगे तभी 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, छठा सवाल करने वाले हैं। छठा बोला गया है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है, संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए, आपको नए विभवांतर का मान बताना है। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट यानी V1 दे रखा है आपको 500 वोल्ट। ठीक है, यहाँ जो जो दिया है वो लिख लो, V1 दे रखा है आपको 500 वोल्ट। ठीक है, और D1 दे रखा है आपको D, और D2 दे रखा है आपको D/2, आधा कर देती हैं, और B2 का मान आपको बताना है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको दे रखी थी, और ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए, हमने आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र सी बताया था, सी बराबर बताया था एप्सिलॉन 0 A/D। ठीक है, इसी से हम लोग करने वाले हैं। ठीक है ना, और क्यू बराबर क्या होता है हमारा, ठीक है, सी बराबर क्या होता है आपका, Q/B होता नहीं होता है, तो यह आपके, ये देखो एक फार्मूला होता है, ठीक है, सी बराबर ए क्यू होता है, और एक क्यू और बी के टर्म में होता है आपका, सी बराबर क्यू बटे बी,
अब से मान किसका पूछा है, बी का, किसका पूछा है, बी का, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे सी। तो यहाँ से बी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे सी से इससे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो B1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्यू बटे C1, और B2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्यू बटे C2, ये हो जाएगा। अगर हम इसको हल करेंगे तो B1 और बटे B2 अगर करें हम, क्या हो जाएगा, क्यू बटे C1 और क्यू बटे C2, क्यू से क्यू कट जाएगा, ये C2 ऊपर पहुंच जाएगा आपका। तो यहाँ से B1 बटे B2 हो जाएगा आपका C2 बटे C1, ठीक है ना। चलिए तो आप B1 बटे B2 बराबर C2 का मान रखेंगे, ठीक है ना। C2 का मान क्या हो जाएगा अगर निकालो आप, तो ये देखो C बराबर क्या है आपका, ε₀ A बटे D। अगर C2 का मान रखो, यहाँ से आप C2 का मान रखोगे, ठीक है ना, तो C2 का मान क्या हो जाएगा, ध्यान से देखोगे C2 का मान, ठीक है ना। C2 का मान क्या हो जाएगा, ε₀ A बटे क्या हो जाएगा, ε₀ A बटे D2, और C1 क्या मैं क्या हो जाएगा, ε₀ A बटे D1। ε₀ से A से ε₀ ये कट जाएगा, ये ऊपर चली जाएगी। तो B1 बटे B2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, D1 बटे D2, ठीक है। और B1 आपको दे रखा है कितना है, 500। तो B1 आपका 500, D1 है D और D2 है DY2, D से D कट जाएगा, ये दो ऊपर चला जाएगा बटे B2। तो 500 बटे हो जाएगा B2 बराबर 2, तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2B2 बराबर 500, और यहाँ से B2 बराबर हो जाएगा 500 बटे 2, 2 दूनी 4 और 1 बचा, 2 दूनी 4 1 बचा, ठीक है ना, और 2 पंजे 10, ये तो B2 आ गया आपका 250 वोल्ट। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था, पेपर में आने वाला सवाल था, ठीक है। चलिए तो हम करेंगे 7वां सवाल, छठा कर लिया आपने, समझ लिया है। B1 दे रखा था, D1 आपने मान लिया D है, और D2 का उनके बीच की दूरी क्या कर दी, आधी। B2 आपको निकालना था, हम संधारित्र की धारिता, जो समांतर प्लेट की धारिता क्या होती है, C बराबर होती है ε₀ A बटे D, और C बराबर होता है Q बटे B। और यहाँ से मैंने निकाल लिया B बराबर Q बटे C से, तभी B1 बराबर हो जाएगा Q1 बटे C1, और B2 बराबर हो जाएगा Q1 बटे C2। यहाँ से हमने जो है हल कर लिया, सारे मान रख के हल कर लिया, तभी हमारा आंसर आसानी से आ गया, ठीक है। चलिए 7वां सवाल देखते हैं। बोला गया है कि एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, एक कूलाम आवेश देने पर विभव, ठीक है। धातु के गोले है, उसकी आपको त्रिज्या दे रखी है, ठीक है। धातु गोले की त्रिज्या दे रखी है कितनी, आर, आर बराबर दे रखी है 1 सेंटीमीटर, इसको बदलेंगे मीटर में, तो 1 × 10^-2 मीटर। और क्या बोला, एक कूलाम, यानी क्यू दे रखा है आपको 1 कूलाम, ठीक है ना। आपसे क्या पूछा है, बी, बी पूछा है आपसे क्या, गोला है, तो क्या हो जाएगा विभव, बी बराबर हो जाएगा आपका 1/4 πε₀ q/r। सारे मान रखोगे, इसका मान कितना होता है, 1/4 πε₀ का मान होता है 9 × 10^9, क्यू का मान कितना है आपका 1, आर कितनी है आपकी, आर है 1 × 10^-2, ये ऊपर जाके माइनस है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तब बी बराबर हो जाएगा 9 × 10^9 × 1 × 10^2, ठीक है ना। तो बी बराबर हो जाएगा 9 × × में खाते जुड़ती हैं बोल्ट, ठीक है। बी का मान हो जाएगा 9 × 10^11 वोल्ट, ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8वां सवाल करेंगे। बोला गया है 9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेश गोले का विभव है, गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये हमें बताना है, ठीक है। आर आपको दिया है 0.9 मीटर, विभव दिया है 960 वोल्ट, ठीक है। तो जो जो दिया लिखोगे, आर दे रखा है 0.9 मीटर, और आपको विभव दे रखा है 960 वोल्ट, ठीक है। तो आपसे पूछिए क्या, आपसे पूछे इलेक्ट्रॉनों की कमी, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे आपके क्यू का मान, किसका मान निकालेंगे, क्यू का, कैसे निकालो, क्योंकि गोला है, गोले पर विभव का फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर आपका होता है 1/4 πε₀ q/r। बी कितना है आपका 960, 1/4 πε₀ का मान होता है 9 × 10^9, और क्यू आपको निकालना है, आर कितनी है 0.9, तो 0.9 हटाओगे यहाँ 0, और 9 ढाई कितना आ गया 10,
और 1 0 से 1 0, ठीक है ना। तो यहाँ से जो क्यूब आ जाएगा वो आ जाएगा 96 × 10⁻¹⁹ कूलाम, आ जाएगा नहीं आ जाएगा बोलोगे जी, ये 10⁻¹⁹ कू के साथ में ये बटे में आ जाएंगी, ठीक है। तब ऊपर जाएंगी प्लस के बटे में आएंगी, ऊपर जाके माइनस की हो जाएंगे। अब हम क्या निकालेंगे, क्यू बराबर एन ई से, ठीक है। तो एन इलेक्ट्रॉनिक संख्या निकाली, एन बराबर क्या हो जाएगा क्यू बटे ई। तो एन बराबर क्यू कितना है आपका 96 × 10⁻¹⁹, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, 0.0 सोल चंग 96 कितने हो गए 60। एन बराबर हो जाएंगे 60 × 10⁻¹⁹ और 10⁻⁹ तो एन बराबर हो जाएंगे 60 × 10⁻¹⁹ में से 9 गए आपके कितने बचेंगे 10, ठीक है। तो यहाँ से एन बराबर 6 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन है आपके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।